नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए, इस आधे घंटे में हम आपको दिन भर की चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबर को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए फटाफट से जान लेते हैं वो मुख्य खबरें जिस पर होगी हमारी नजर। तो आपको शॉर्ट में आज की चार बड़ी खबरें बता देते हैं और फिर इसे डिटेल में आपको समझाएंगे। पहली खबर है, आरजेडी को शराब कंपनियों ने दिया था चंदा, क्योंकि ये बड़ा आरोप जेडीयू की तरफ से लगाया गया है। दूसरी खबर होगी, नीतीश कुमार ने क्यों बुलाई है एनडीए की बैठक, क्योंकि एक बड़ी बैठक बुलाई गई है उपचुनाव से पहले। तीसरी खबर, झारखंड में इंडिया गठबंधन में क्या गांठ अभी भी बरकरार है, इसके मायने आपको समझाएंगे। और हमारी चौथी खबर होगी, मिलावटी मिठाई से कैसे बचें, ये भी आपको बताएंगे। तो बिहार में शराब और शराबबंदी पर सियासत तेज है। आरजेडी ने पोस्टर लगाकर और सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर नीतीश सरकार को घेरा, तो जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने आरजेडी पर शराब कंपनियों से चंदा लेने का आरोप लगा दिया और यह सवाल पूछा कि शराबबंदी में शराब कंपनियों से चंदा क्यों लिया, क्या शराब कंपनियों से कोई डील हुई थी। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। शराबियों को नशे में घुमाने वाली शराब के इर्द गिर्द आजकल बिहार की सियासत घूम रही है। आरजेडी ने शुक्रवार की रात सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर नीतीश सरकार पर निशाना साधा और बिहार की सियासत लहक गई। शराबबंदी वाले राज्यों में शराब कंपनियों से क्यों लिया चंदा। शराबबंदी पर आरजेडी ने सवाल उठाया तो जेडीयू ने जवाब देने के लिए तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली और आरजेडी पर शराबबंदी में शराब कंपनियों से चुनावी बॉन्ड के जरिए 46,64,00,000 का चंदा लेने का आरोप लगा दिया। शराबबंदी वाले राज्यों में शराब कंपनियों से क्यों लिया चंदा। जेडीयू के आरोप के साथ बीजेपी भी खड़ी दिखी। बीजेपी नेताओं ने बताया, आरजेडी को कुल 74 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला है। इसमें 63% बॉन्ड सिर्फ शराब बनाने वाली कंपनी ने ही दिया है। कंपनियों और शराब बेचने वालों के साथ इनकी मिली भगत है और ये चाहते हैं कि बिहार में शराब की बिक्री रहे, अवैध कारोबार जारी रहे और इसलिए इस तरह की रोज ये बयानबाजी करते रहते हैं। शराब और शराबबंदी पर तेज सियासत के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बिहार सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ही शराब बिचवा रही है। क्योंकि सरकार ही शराब बिचवाने का काम कर रही है, संरक्षण देने का काम कर रही है माफियाओं को। एक और आरजेडी के नेता बार बार शराबबंदी में जहरीली शराब से मौत के आंकड़े गिना रहे हैं, तो दूसरी ओर जेडीयू और बीजेपी के नेता सवाल पूछ रहे हैं कि जब शराबबंदी की शपथ ली थी तो फिर शराब कंपनियों से चंदा क्यों लिया, क्या शराबबंदी के खिलाफ माहौल बनाने की डील हुई थी। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार में शराब, शराबबंदी और शराब से मौत पर सियासत तेज है। आरजेडी के हमले के बाद जेडीयू ने आंकड़ों के जरिए आरजेडी पर निशाना साधा है। जेडीयू का आरोप है कि शराबबंदी के बावजूद आरजेडी ने शराब कंपनियों से चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा लिया था। आइए पहले जानते हैं कि जेडीयू का आरोप क्या है। आपको बता दें कि इस बार सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आई थी, जिसके तहत कोई भी कंपनी जो दल है उसे चंदा दे सकते थे और जो दल है वो चंदा ले सकते थे, और उसी आंकड़ों के आधार पर जेडीयू की तरफ से ये आरोप आरजेडी पर लगाया गया है, जिसमें जेडीयू की तरफ से कहा गया कि 74 करोड़ रुपए जो चंदा आरजेडी को मिला है वो शराब कंपनी से मिला है। चुनावी बॉन्ड का मतलब 46,64,00,000, जो कि चुनावी बॉन्ड का 63% है, वो चंदा जो आरजेडी को मिला वो शराब कंपनियों की तरफ से दिया गया। मतलब ये कि इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत 74 करोड़ रुपए चंदा के तौर पर आरजेडी को मिला था और उनमें से 46,64,00,000 जो उसका करीब 63% हिस्सा है, जेडीयू की तरफ से आरोप लगाया गया कि आरजेडी ने ये जो
चंदा इकट्ठा किया है वो शराब बनाने वाली कंपनियों से इकट्ठा किया है। और ऐसे में जेडीयू ने ये भी सवाल पूछा कि शराबबंदी वाले बिहार में शराब कंपनियों से आरजेडी ने आखिर क्यों ये चंदा लिया है। अब हम आपको एक एक करके उन कंपनियों के नाम बताते हैं जिनके नाम का जिक्र जेडीयू की तरफ से किया गया था। जेडीयू का कहना है कि इन कंपनियों ने आरजेडी को चंदा दिया था और ये कंपनियां शराब बनाती हैं। तो कौन कौन सी कंपनी है आइए जल्दी से आपको बताते हैं। पहली कंपनी का नाम बताया गया नॉर्दर्न स्पिरिट्स लिमिटेड, जिसकी तरफ से 20 लाख रुपए चंदा के तौर पर दिया गया था आरजेडी को। ये आरोप जेडीयू की तरफ से लगाए गए थे और ऐसे में कई और भी आरोप हैं आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर बताएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में 28 अक्टूबर को एक एनडीए के घटक दलों की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसे लेकर सियासी हलचल तेज हो चुकी है। बैठक में क्या कुछ होगा इस पर भी निगाहें टिकी हुई हैं। भले ही बिहार विधानसभा के चुनाव में एक साल का समय हो, राजनीतिक दल रणनीति बनाने में अभी से जुट गए हैं। इसी क्रम में 28 अक्टूबर को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास एक अणे मार्ग पर एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक होने जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि खबर ये भी है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जा सकती है। बैठक में घटक दलों के एमपी, एमएलए, एमएलसी और संगठन से जुड़े नेता जुटेंगे। इस बैठक में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ साथ चारों सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी। 28 अक्टूबर को सीएम आवास में होने वाली एनडीए की बड़ी बैठक को लेकर बिहार में सियासी बहस भी छिड़ गई है। बैठक पर विपक्ष के नेता चुटकी ले रहे हैं। एक बैठक एक अन्य मार्ग में बुला दे, चाहे दिल्ली में बुला दे, क्या फर्क पड़ता है बिहार के अंदर में। जिस तरह से तेजी में अनावश्यक तरीके से बैठक बुलाई गई है, ऐसा लगता है नीतीश जी के मन में कुछ और चल रहा होगा। वहीं एनडीए के नेता उपचुनाव को लेकर इस बैठक को काफी अहम बता रहे हैं। स्वाभाविक रूप से एक साझा रणनीति बनेगी और लोकसभा चुनाव से बेहतर परिणाम। एनडीए का एक सशक्त और समृद्ध बिहार बनाने का संकल्प स्पष्ट होता है। इस बैठक में बिहार में विकास को तेज करने के लिए नए रणनीति पर चर्चा होगी। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चार सीटों पर हो रहे उपचुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें तीन सीटें इंडिया के पास थी तो एक सीट एनडीए के पास। ऐसे में तेजस्वी यादव की साख दांव पर है और एनडीए के नेता किसी भी हाल में ज्यादा से ज्यादा सीट जीतकर मानसिक बढ़त बनाने की फिराक में है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृत राज की रिपोर्ट। और अब आप समझिए कि नीतीश कुमार ने क्यों बुलाई है एनडीए की बैठक। बिहार में अगले साल ही यानी कि 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है। अभी चार सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। बिहार की चार विधानसभा की सीटें हैं। चार सीट से जीत की हार से मैसेज जाएगा। अगर इन चार सीट पर जो भी जीतता है उसके लिए बढ़त होगी। नीतीश मजबूती के साथ एनडीए का मैसेज देना चाहते हैं। 2020 में एनडीए कार्यकर्ताओं में कंफ्यूजन हो गया था, जिसकी वजह से नुकसान कई सीटों पर देखने को मिला था। नीतीश कुमार नहीं चाहते कि इस बार कोई भी कंफ्यूजन रहे और यही वजह है कि एनडीए नेताओं की बैठक नीतीश कुमार ने बुलाई है और इस बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर करेंगे। झारखंड में भाकपा माले ने झामुमो और कांग्रेस की 70 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा को एक तरफा बताया है। माले नेता मनोज भक्त ने कहा कि इंडिया गठबंधन क्रिटिकल स्थिति में है। माले ने कांग्रेस और जेएमएम को 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है। झारखंड में चुनावी माहौल चरम पर पहुंचता जा रहा है। दूसरी ओर इंडिया अलायंस की गांठ गठबंधन को कमजोर करती दिख रही है। शनिवार को भाकपा माले की ओर से राज्य सचिव मनोज भक्त ने जेएमएम और कांग्रेस पर मनमानी का आरोप लगाते हुए 70 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम के ऐलान को एक तरफा बता दिया और कहा कि आज इंडिया गठबंधन क्रिटिकल स्थिति में है। इसके लिए हम लोग कल तक इंतजार कर रहे हैं। कल तक अगर ये नहीं होता है तो हम सेकंड लिस्ट इसके अनुकूल हम लोग जारी करेंगे। माले ने जेएमएम और कांग्रेस को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि जमुआ सीट पर हर हाल में भाकपा माले लड़ेगा।
धनवार से उम्मीदवार हटाने पर विचार करे जेएमएम। चुनाव के ऐलान के बाद से ही इंडिया अलायंस के अंदर खटपट शुरू हो गई थी। पहले सीटों के बंटवारे पर आरजेडी ने ऐतराज जताया और उसके बाद अब भाकपा माले ने तो अल्टीमेटम ही दे दिया है। ऐसे में सवाल है कि झारखंड में इंडिया अलायंस की गांठ खुल जाएगी और गठबंधन टूट जाएगा। न्यूज 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो झारखंड में इंडिया गठबंधन में गांठ अभी भी बरकरार है। आइए अब जानते हैं कि इंडिया गठबंधन में किस फॉर्मूले के तहत समझौता हुआ था। अगर हम फॉर्मूले की बात करें सीट शेयरिंग की, तो जेएमएम 42 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया था। कांग्रेस 28 सीट, आरजेडी के खाते में 5 सीट और सीपीआईएमएल को 3 सीटें मिलने की बात कही जा रही थी। इंडिया गठबंधन में अभी की जो स्थिति है, तो पार्टियों ने जो उम्मीदवार उतारे हैं उसके आधार पर जो अभी का फॉर्मूला है वो आपको बताएं, तो जेएमएम 43, कांग्रेस 30, आरजेडी 7 और सीपीआईएमएल 4। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर इस बार इंडिया गठबंधन के अंदर फ्रेंडली फाइट देखने को मिल सकती है। कौन कौन सी वो सीट है आपको बताएं, तो धनवार की सीट, विश्रामपुर विधानसभा सीट और छतरपुर की सीट, यानी ये 3 सीट है जहां फ्रेंडली फाइट हो सकती है। इंडिया अलायंस के दल ही आपस में भिड़ सकते हैं। अब देखिए कहां किसके बीच फ्रेंडली फाइट होने वाली है वो आपको बताते हैं सीटों के जरिए। धनवार सीट की बात करें तो यहां सीपीआईएमएल वर्सेस जेएमएम का मुकाबला देखने को मिल सकता है। और आगे बात करें अगली सीट विश्रामपुर की, सीट की बात कर लीजिए तो विश्रामपुर में जो बात नहीं बन पाई इसके मुताबिक आरजेडी वर्सेस कांग्रेस यहां पर आमने सामने होंगे, फ्रेंडली फाइट देखने को मिलेगा। और ये फ्रेंडली फाइट जो है इन द सीट पर देखने को मिलेगा। और देखिए छतरपुर सीट की बात करें तो छतरपुर में आरजेडी वर्सेस कांग्रेस के बीच फ्रेंडली फाइट है। और इस बार के विधानसभा के चुनाव में ये 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर गठबंधन के दल ही आपस में लड़ेंगे। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर ही करेंगे। दिवाली को लेकर फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी हरकत में आ गए हैं। पटना के बोरिंग रोड के मशहूर मिठाई की दुकान के कारखाने में अधिकारियों ने छापेमारी की और छापेमारी के दौरान विभाग के अधिकारियों ने कई तरह की गड़बड़ियां भी पाई हैं। त्योहार का मौसम है और मिठाइयों की मांग भी बढ़ी हुई है। ऐसे में नकली मिठाई के धंधेबाज मुनाफा कमाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, जिसको रोकने के लिए फूड सेफ्टी विभाग हरकत में है और पटना के बोरिंग रोड के मशहूर मिठाई की दुकान के कारखाने में अधिकारियों ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान विभाग के अधिकारियों ने कई तरह की गड़बड़ियां भी पाई और साथ ही खोए के साथ कई तरह की मिठाइयों के सैंपल भी लिए। देखिए फूड सेफ्टी अधिकारी जो हैं कारखाना के अंदर में हैं और यहाँ पर जो मिठाइयाँ तैयार की जा रही है, जो अभी दुकानों में सप्लाई होगी, उन मिठाइयों के सैंपल इकट्ठे किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो खोआ है, पनीर है, तमाम चीजों की जांच चल रही है। ये सिर्फ एक जगह की कहानी नहीं है, बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में दिवाली के वक्त नकली मिठाई, नकली मेवे और नकली पनीर का धंधा चरम पर पहुंच जाता है, जो खाने वाले को बीमार ही नहीं बल्कि बहुत बीमार कर सकता है। इसलिए मिठाई खाते वक्त सावधानी जरूर बरतें। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बात मिठाई में मिलावट को समझिए। दरअसल दूध में यूरिया मिलाई जाती है, यूरिया और केमिकल से नकली दूध बनाया जाता है। रंग के साथ ही वॉशिंग पाउडर भी इसमें मिलाई जाती है। घी की बात कर लीजिए तो घी में चर्बी और पाम ऑयल की मिलावट कर दी जाती है। घी में उबले आलू की मिलावट भी कर दी जाती है। मेवे की बात करें तो मेवे में आरारोट, मैदा या फिर चीनी मिला दी जाती है। दाल वाली मिठाई में भी बताया जाता है कि टेलकम पाउडर की मिलावट कर दी जाती है। बेसन के लड्डू में भी एस्बेस्टस पाउडर की मिलावट कर दी जाती है। अब आप ये समझिए कि कैसे करें मिलावटी मिठाई की पहचान। तो मिठाई में रंग लाने के लिए केमिकल मिलाया जाता है, मेटानिल येलो और टार्ट्राइजाइन मिलाया जाता है। मिलावटी मिठाई हाथ में लेने पर रंग छोड़ता है, मतलब ये जब आप मिठाई खरीदने जाएं तो उसे हाथ में लेकर जरूर देखें, क्योंकि वो अगर रंग छोड़ता है तो मिलावटी मिठाई है। ये मिलावटी मिठाई किडनी के लिए बेहद खतरनाक होती है। मिलावटी मिठाई गर्म करने पर भूरे रंग की हो जाती है। अगर खोवा दानेदार होता है तो वो मिलावटी है।
आयोडीन की दो बूंद मेवे पर डालकर अगर आप देखते हैं और उस वक्त मेवा जो है वो काला पड़ जाता है तो समझ जाइए कि इसके अंदर मिलावट की गई है। मिठाई पर लगे वर्क और उंगलियों के बीच रगड़ें। अगर पाउडर बन जाए तो असली वर्क है। असली वर्क को जलाने पर सिकुड़ जाता है और नकली वर्क जलाने पर राख में बदल जाता है। नकली केसर पानी डालने पर रंग छोड़ता है और जो असली केसर होते हैं वो कई घंटे तक रंग नहीं छोड़ते हैं। तो रंग बिरंगी मिठाई खरीदने से बचें और जब मिठाई खरीदने जाएं तो इन बातों का खास ख्याल जरूर रखें। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की। लोक गायिका शारदा सिन्हा की अचानक से तबियत खराब होने की वजह से उन्हें दिल्ली एम्स में एडमिट कराया गया है। एक ओर जहां शारदा सिन्हा के लिए यज्ञ और पूजा की जा रही है तो दूसरी ओर न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने उनके परिवार से संपर्क किया और इलाज में राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। बिहार में छठमय माहौल हो चुका है। ताल तलैया से लेकर घरों में लोग छठ की तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन जिनके गीतों के बिना छठ की कल्पना नहीं की जा सकती, या कहें कि जो छठ की पर्याय बन चुकी हैं। वो स्वर कोकिला शारदा सिन्हा दिल्ली के एम्स में इलाज के लिए भर्ती हैं। हम सब प्रार्थना करें कि हम सब की मैया, छठी मैया की पर्याय शारदा मैया जल्द से जल्द स्वस्थ होकर हम सब के बीच वापस लौटे। शारदा सिन्हा के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर कहीं पूजन और यज्ञ हो रहा है तो कहीं बिहार के कलाकार उनके जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी उनके परिवार से संपर्क किया और इलाज में राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बिहार कोकिला के नाम से जाने जानी वाली शारदा सिन्हा पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित हो चुकी हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए। शारदा सिन्हा बिहार की लोक गायिका हैं। शारदा सिन्हा को स्वर कोकिला कहा जाता है। पद्म भूषण सम्मान से भी शारदा सिन्हा सम्मानित हो चुकी हैं। शारदा सिन्हा के बीमार होने से उनके जो प्रशंसक हैं, उनके जो फैंस हैं, वो काफी दुखी हैं। लोग उनके जल्द ही स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं और कई जगह पर हवन पूजन किया जा रहा है तो कुछ लोग उन्हें जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे।